आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे रसभरी भी कहते हैं और बहुत ही आसानी से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले देख लेते हैं रसगुल्ला बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 1/2 लीटर गाय का दूध है, और 1 पैकेट यानी 1/2 लीटर ये रेगुलर मिल्क लिए हैं मैंने, जो मेरे घर पर आते हैं। वैसे आप जितने ज्यादा फैट कंटेंट वाले मिल्क लेंगे उतने ही ज्यादा छेना निकलेगा मिल्क से, तो आप मिल्क उसी हिसाब से लीजिएगा। और 2 बड़े चम्मच मैंने सिरका लिए हैं यानी व्हाइट विनेगर, इसके जगह आप 1 बड़े नींबू का रस भी ले सकते हैं। और चीनी मैंने 500 ग्राम लिए हैं। तो चलिए अब फटाफट बनाते हैं रसगुल्ला। तो दूध का बर्तन मैंने रख लिए हैं गैस ऑन करके, अब इसमें पैकेट का भी काट कर रख लेंगे। अब दूध को हम एक कलछी की सहायता से इस तरह से चलाते हुए उबालेंगे, इससे क्या होगा दूध नीचे से जलेगा भी नहीं और दूध हल्के हो जाएंगे इस तरह करने से, तो छेना हमारा सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए इस तरह से उबाल लेते हैं पहले। तो देखिए दूध उबल चुके हैं, गैस ऑफ कर लेते हैं और दोबारा इस कलछी से इस तरह से चलाते जाएंगे, क्योंकि हमें दूध को ठंडा करना है। 1 मिनट इस तरह से चलाते जाएंगे, गरम गरम दूध में हम लेमन अथवा सिरका नहीं डालेंगे, नहीं तो हार्ड हो जाते हैं छेना, और छेना हार्ड हो जाएंगे तो हम सॉफ्ट स्पॉन्जी रसगुल्ला नहीं बना पाएंगे। तो यही कारण है इस तरह करने का। और ये ट्रिक मैंने आपको पनीर की रेसिपी बनाते समय भी आपको बताए थे, तो आप ये ट्रिक को अपनाइएगा तो बहुत ही सॉफ्ट पनीर अथवा छेना बना पाएंगे। तो इस तरह से कर लेते हैं अभी। तो 1 मिनट हो चुके हैं, अब इनमें हम डालेंगे सिरका, और सिरका 2 चम्मच लिए हैं तो इसमें 2 चम्मच पानी भी डालकर मिला लेते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक ही बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा डालकर और इस तरह से मिलाते जाएंगे हल्के हाथों से, बहुत जोर जोर से भी नहीं। फिर से डालते हैं, और फिर से इस तरह से मिलाएंगे जब तक दूध न फटे, तब तक हम इन प्रोसेस को करेंगे। और इतने सिरके जितने मैंने लिए हैं उतने में दूध फट जाते हैं, कभी कभार कम में भी फटते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी डालना पड़ता है, तो आप देख कर कीजिएगा। और यदि आप लेमन जूस ले रहे हैं तो उसमें भी पानी उतना ही मिलाकर ही इस तरह से डालिएगा। तो देखिए दूध फटना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और दूध जब फटना शुरू हो जाए तो इसमें सिरका अथवा लेमन जूस डालना बंद कर दीजिएगा, नहीं तो उसे भी हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से 1/2 मिनट जस्ट घुमाएंगे तो छेना एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएंगे दूध से। देखिए दूध से पानी अलग हो गए हैं, देख सकते हैं हरा हरा कलर आ गया है। तो अब एक छलनी डालकर इस बर्तन पर और एक कॉटन का कपड़ा डालकर इस तरह से दबा देंगे और इसमें डाल देंगे तुरंत ये छेना। हमें छेना फटने के बाद तुरंत ही छान लेना है, उस पानी में रहेगा तो उससे भी हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ से कपड़ा को अलगा देंगे ताकि अच्छी तरह से पानी निकल जाए, और इन्हें हम धोएंगे एक बार पानी से वॉश करेंगे। तो पानी हम ठंडा नहीं यूज करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, और बहुत खौलता हुआ पानी से भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा गर्म करके पहले से ही रखेंगे पानी को। और देखिए कितना हरा कलर है ये छेना का पानी, इससे ये पता चलता है कि दूध का मात्रा बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा छेना फटा है हमारा। तो अब इन पानी को साइड में रखते हैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं करी सब्जी और दाल तरकारी में पानी की जगह रख डालकर, और इन्हें पानी से वॉश करते हैं। तो गर्म कर लिए हैं मैंने पहले से ही, करके रखिएगा पानी आप भी। और इस जाली के नीचे एक बर्तन फिर से रख लिए हैं, और इस तरह से पानी डालेंगे हम, और इस तरह से कलछी की सहायता से इस तरह से चलाते हुए वॉश करेंगे ताकि विनेगर या लेमन का खटास दूर हो जाए छेना से। तो इस तरह से वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो अब ये हो गए हैं, अब हम इन कपड़ों को चारों तरफ से उठाते हुए एक थैली की तरह बना लेते हैं। और इस तरह से एक बार पानी निचोड़ देंगे हल्के हाथों से, बहुत जोर से नहीं करेंगे,
और इस बर्तन का पानी भी फेंक देते हैं और वापस बर्तन रखकर जाली रखकर एक छेना का पोटली रखकर और इस पर थोड़ा सा भारी चीज रख लेंगे इस तरह का, और 5 से 7 मिनट सिर्फ रखेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। तो 5-7 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं और छेना को भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए पानी निकल गए हैं, और बहुत सूखा भी नहीं करना है हमें, बहुत ड्राई नहीं करना है छेना को, नहीं तो अच्छा रसगुल्ला नहीं बनेंगे, यानी थोड़ी सी मॉइस्चर होनी चाहिए छेना में, तो परफेक्ट है ये। तो चलिए इसे मथते हैं, यानी 5-7 मिनट हमें हाथ से इसे मथना होगा, इस तरह से जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे भी मथेंगे, यानी नीट करेंगे अपने हाथों से। तो कर लेते हैं इन्हें, और इस तरह तलत्ती से इसे प्रेस करते हुए मथेंगे। और आप चाहे तो इन छेनों को मिक्सी में भी एक बार चलाकर और हाथ से 2 मिनट मथ लेंगे तो हो जाएगा, तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, फिलहाल मैं हाथों से ही कर रही हूँ। तो इसी तरह से कर लेते हैं 7-8 मिनट के लिए। तो अब हमारा ये छेना रसगुल्ला बनाने के लिए तैयार है। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और हाथों पर इस तरह से शाइन आ जाते हैं गूंथने के बाद। तो इन्हें आप अपने मनपसंद साइज में इसे तोड़कर और इस तरह से दबाते हुए इसे प्रेस करते हुए इस तरह से गोल गोल करेंगे, एक ही बार यूँ गोल गोल नहीं करेंगे, थोड़ा प्रेस कर लेंगे, अपने मुट्ठी से बांध लेंगे इसे टाइट करके, और फिर इस तरह से राउंड राउंड में गोल करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए बहुत बिल्कुल फटा नहीं है ये बॉल, देख सकते हैं आप, बहुत ही स्मूथ बॉल बना है, तो इसी तरह की होनी चाहिए, क्रैक नहीं आना चाहिए बॉल में, छेना के बॉल में। तो फिलहाल इन छेनों को साइड में रखते हैं, और जिनमें हम रसगुल्ला बनाएंगे वो चाशनी सबसे पहले हमें बनानी होगी। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। तो कुकर गैस पर रख लिए हैं, और कुकर में मैं 6 कप पानी डाल रही हूँ और 1 कप चीनी डालूंगी इसमें। तो आप इसी मेजरमेंट से लीजिएगा, जिस कप कटोरी से आप चीनी ले रहे हैं उसी कप कटोरी से 6 गुना पानी लीजिए। तो डाल लेते हैं 1 कप चीनी इसमें, क्योंकि रसगुल्ले हम पहले पतली चाशनी में बनाएंगे फिर गाढ़ी चाशनी में डालेंगे, आगे मैं बताऊंगी किस तरह से। पहले पतली चाशनी में पकाने से रसगुल्ले फूलेंगे और सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे। और रसगुल्ले मैं आज कुकर में बनाने जा रही हूँ, आप चाहे तो कोई कढ़ाही या पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कढ़ाही में जब हम पकाते हैं रसगुल्ले तो शुरू में फुला फुला लगता है, बाद में थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, और जब हम कुकर में बनाते हैं तो रसगुल्ले फूलने के बाद सिकुड़ते नहीं हैं, यानी फूले ही रहते हैं। तो अब हम चाशनी को इस तरह से चलाते हुए हम खोलने देंगे, तब तक हम छेना से बॉल काट लेते हैं। तो देखिए मैंने बॉल काट कर रख लिए हैं, और इतने छेने से मैंने 11 बॉल काटे हैं। आप चाहे तो इससे छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करते हैं। और इतने छेना का बॉल एक ही बार में हम कुकर में नहीं डाल सकते हैं, यदि डालेंगे तो रसगुल्ला का शेप बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक आपस में छेना का बॉल टकराने से शेप बिगड़ जाते हैं, और इतने में 7 से 8 ही मुश्किल से बनेंगे, और है मेरे 11 पीस, इसीलिए मैं 5 एक बार में डालूंगी और 6 पीस एक बार में डालूंगी। तो अब देखिए चाशनी उबलने लगे हैं, तो इसमें जो हम छेना का बॉल बना कर रखे हैं 6 पीस वो डाल लेते हैं, और 5 पीस मैंने इकट्ठे जमा कर लिए हैं, इसे कॉटन के कपड़े से ढककर रख लूंगी। तो डाल लेते हैं, और छेना का बॉल एक बार में नहीं डालिएगा, एक एक करके डालिएगा, इससे क्या होगा उबलते रहेंगे चाशनी। तो देखिए किस तरह से नाच रहे हैं छेना बॉल। तो अब ढक्कन बंद कर लेते हैं कुकर का, और इसमें 1 सीटी आने देंगे, तब तक हम इन छेनों को इस कॉटन के कपड़े से ढक लेते हैं, वही कॉटन का कपड़ा है जिसमें हम छेना छाने थे, थोड़ा सा मॉइस है ही। तो कुकर में सीटी लग चुके हैं, अब हम गैस को सिम कर लिए हैं, और इसे 5 से 7 मिनट इसे इसी तरह से पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो
8 मिनट मैंने पका लिए हैं लो फ्लेम पर, गैस ऑफ कर लेते हैं और कुकर का प्रेशर खत्म होने देते हैं, यानी ठंडा होने देते हैं कुकर को। तब तक हम जो बाकी का चीनी है, जो हमने आधा के जी लिए थे और 1 कप डाले थे कुकर में और 2 कप बाकी है, यानी आधा के जी में 1 कप यूज किए थे और जितने बाकी है वो सारे चीनी इसमें डाल लेते हैं। और इसमें डालेंगे 3 कप पानी, ये 2 कप चीनी है तो 3 कप पानी डाल रहे हैं। और इसे चलाते हुए 1 उबाल आने देंगे और 1 उबाल आने के बाद हम जस्ट आधा 1 मिनट पकाएंगे इन्हें। तो देखिए चाशनी को 1 उबाल आने के बाद आधा मिनट पका लिए हैं और इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच जितना लेमन जूस डाल देंगे। इससे क्या होते हैं, चाशनी बहुत ही शाइनिंग दिखते हैं और क्रिस्टल नहीं बनते हैं चाशनी में। और 1-2 इलायची को कूट कर डालिएगा तो फ्लेवर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं चाशनी में। तो आप चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसके जगह केवड़ा एसेंस अथवा गुलाब जल भी डाल सकते हैं और बिना कुछ डाले ही बना सकते हैं चाशनी। तो अब चाशनी तैयार है। अब चाशनी को साइड में रखते हैं और रसगुल्ले वाले कुकर को चेक करते हैं। तो अब कुकर भी ठंडे हो चुके हैं, यानी कुकर से वाष्प निकल चुके हैं। तो कुकर को ढक्कन खोलकर तो देखिए रसगुल्ले कितने फुले फुले बने हैं, अपने साइज से दुगने हो जाते हैं। तो अब इन्हें शिफ्ट कर लेंगे दूसरे चाशनी जो हम बना कर रखे हैं, उस चाशनी में डाल लेंगे। और इस चाशनी में हम जो बाकी का छेना है उसे बॉल बनाकर हम इसमें डालेंगे और पकाएंगे पहले की ही तरह। तो शिफ्ट कर लेते हैं इन रसगुल्लों को और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं और बिल्कुल क्रैक नहीं है इनमें, बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट रसगुल्ले बनते हैं इस तरह से करने से। तो शिफ्ट कर लेते हैं इस चाशनी में। तो सारे शिफ्ट कर लिए हैं, अब इन्हें वापस गैस ऑन करके इसे खोलने देंगे यानी उबलने देंगे। तब तक हम इन छेनों से हम बना लेते हैं बॉल पहले के ही तरह, जिस तरह से हम बॉल बनाए थे उसी तरह से सारे बना लेते हैं। तो देखिए अब खोलने लगे हैं वापस से फिर से चाशनी, और बॉल भी मैंने बना लिए हैं, 5 बनाए हैं, पहले 6 थे अब 5 बनाए हैं। टोटल मैंने 11 बॉल बनाकर 11 रसगुल्ले बना रहे हैं। तो डाल लिए हैं एक एक करके और इन्हें भी कवर लगाकर पहले की तरह 1 सीटी आने देंगे, फिर 7-8 मिनट हम लो फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके कुकर का प्रेशर खत्म होने देंगे, फिर हम चेक करेंगे रसगुल्ले को। तो अब कुकर का प्रेशर खत्म हो चुका है, अब देखिए रसगुल्ले ये 5 भी उसी तरह से पहले की तरह फूल गए हैं, डबल हो गए हैं साइज में और बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। अब इन रसगुल्लों को भी पहले की ही चाशनी में शिफ्ट कर लेंगे हम और थोड़ी थोड़ी चाशनी इसमें से भी रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से, ताकि थोड़ी सी चाशनी इसमें से भी जाए। तो देखिए परफेक्ट रसगुल्ला बना है। अब इन रसगुल्लों को हम 2-3 घंटा ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। और इन रसगुल्लों को आप चाहे तो अच्छी तरह से ठंडी होने दे और फिर 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे रसगुल्ले खाने में। तो मैंने 2-3 घंटे ठंडे कर लिए हैं रसगुल्ले को, अब इन्हें सर्व करते हैं। और आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट रसगुल्ले बने हैं, इनकी चाशनी भी कितनी क्लियर है। और चाशनी में मैंने कुछ भी नहीं डाले हैं, दूध वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि चीनी बहुत ही क्लियर थी। यदि आपकी चीनी गंदी हो यानी थोड़ा सा मैलापन हो चीनी में, तो आप चाशनी उबलते समय 1-2 चम्मच दूध डाल दीजिएगा और उसके बाद झाग आएंगे मैला सा, तो आप छान दीजिएगा एक चाय छन्नी से, तो चाशनी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए रसगुल्ले कितने परफेक्ट है और बहुत ही स्पंजी है, बहुत ही रस भरा है इसमें, और आप दबाने से भी ये टूटे फूटेंगे नहीं। देखिए कितनी स्पंजी लग रही है देखने से ही, और खाने में तो इतनी टेस्टी होती है कि बाजार का रसगुल्ला आप भूल जाएंगे। तो रसगुल्ले से रस मैंने सारे निचोड़ लिए आपके सामने और फिर वापस मैं रस में डुबाकर और निचोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितने रस तुरंत से भर जाते हैं इसमें, बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट रसगुल्ले है। और आप देख रहे हैं जैसे भी दबाने से इसका शेप नहीं बिगड़ रहा है, और हम जितने रसगुल्ले बनाए हैं उनमें से कोई भी रसगुल्ला टूटा फूटा नहीं है। तो रसगुल्ला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देनी होती है। जिस तरह से मैंने बताए हैं वो सारे स्टेप फॉलो कीजिए, आपके भी रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे।
तो आप इस तरह से बनाइए रसगुल्ले और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।